और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, इंडिगो के विमान के पायलट के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। उड़ान भरने में देरी से परेशान एक यात्री की तरफ से हंगामा किया गया, जिसके बाद यात्री की पायलट से कहा सुनी भी हो गई और मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में घने कोहरे की वजह से फ्लाइट में देरी हो रही थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने आरोपी पर एक्शन का भरोसा जरूर दिया है, तो तस्वीरें भी सामने आ चुकी है, वीडियो है, ये वायरल हुआ है काफी तेजी से, जिसमें एक यात्री यहाँ इतने गुस्से में आ गया कि उसने उठकर पायलट को पीट दिया। आपको ये बता दें कि कोहरे की वजह से इंडिगो की फ्लाइट जो थी वो डिले होती जा रही थी और ऐसे में यात्रियों का गुस्सा भड़का हुआ था। अब ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, पायलट जिस समय अनाउंसमेंट कर रहा था उस समय वहां उसके साथ पहले हंगामा, कहा सुनी और फिर मारपीट तक ये स्थिति चली गई। हालांकि पुलिस की तरफ से ये भरोसा जरूर दिया गया है कि जो आरोपी यात्री है उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन तस्वीरें जरा आप देखिए, वो पीछे बैठा था, जो यात्री था वो पीछे की तरफ बैठा था और पायलट यहाँ सामने आकर यात्रियों के सामने अनाउंसमेंट कर रहे थे कि आखिर फ्लाइट में देरी क्यों हो रही है और कितनी देर अभी और लग सकती है। ये तमाम जानकारी जब वो दे रहे थे तो ये यात्री पीछे की तरफ से आता है और यहाँ उसने मारपीट की है। बड़ी खबर मिल रही है, मध्य प्रदेश के दमोह में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। ये एक्शन दमोह में कसाई मंडी पर की गई है, जहां कई इमारतों को बुलडोजर से तोड़ा गया है। बताया गया कि प्रशासन को कई दिनों से मंडी में गौकशी की शिकायतें मिल रही थी, जिसका विरोध कई हिंदूवादी संगठनों ने किया था। पिछले हफ्ते पुलिस ने कसाई मंडी से करीब 4200 किलो से ज्यादा जानवरों की हड्डियां भी बरामद की थी। तो मध्य प्रदेश के दमोह से आप ये तस्वीरें देखिए, जहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। कसाई मंडी में प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया, अवैध निर्माणों को यहां पर तोड़ा गया है, क्योंकि पुलिस को लगातार इस इलाके से गौकशी की शिकायतें मिल रही थी। और बीते दिनों आपको बता दें कि इसी इलाके से करीब 4200 किलो से ज्यादा जानवरों की हड्डियां भी बरामद की गई थी और ऐसे में ये एक्शन वहां लिया गया प्रशासन की तरफ से, जब अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। इधर राम मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर की नई तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों में राम मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य को दिखाया गया है, साथ ही मंदिर के अंदर रोशनी और मंदिर में लगाए गए सोने के द्वार भी दिखाए गए हैं। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले राम मंदिर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। मंदिर निर्माण में जुटे कारीगर दिन रात काम में लगे हुए हैं और जैसे जैसे काम आगे बढ़ रहा है उसकी तस्वीरें भी ट्रस्ट की तरफ से जारी की जा रही हैं। अब बहुत कम दिन शेष रह गए, आज सोमवार का दिन है, अगले सोमवार यानी कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ऐसे में तेजी के साथ निर्माण कार्य को पूरा किया जा रहा है। जितने भी कारीगर इस काम में जुटे हुए हैं दिन रात एक करके मंदिर को बनाने का काम कर रहे हैं। प्रथम तल तक का निर्माण पूरा हो चुका है, बाकी दो तल का काम अभी तेजी से चल रहा है।